अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं जिनका जानकारी पहले उपीन गए है अपनों पंजित मालूम, लेकिन वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक वह जानकारी और उपलब्धि पहुंचे तो के माध्यम से पहुंची, यदि हर रोड़ में पहुंची तो अंबर सिंह जी के माध्यम से पहुंची। और अंबर सिंह जी अगर नहीं, ये जो अपने आप का कांग्रेस के कार्यकर्ता मानत है, काहे के इत्तेफाक से आज सदस्यों अभियान की शुरुआत भाई महेंद्र सिंह जी करे आए हैं, तो वो सदस्यता अभियान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की रीति नीति योजना की जानकारी हमें पंचिंग का पहुंचावे थे। आजकल दिक्कत यह है कि को अपने आप का कार्यकर्ता मनते नहीं है, सभी नेता होते हैं, को छोट नेता अपने आप का मानत है, को बड़ा नेता मानत है, नेता सब तो भैया कार्यकर्ता शब्द तो कांग्रेस पार्टी से हटा दी जाए, नेता लग दी जाए, नेता सम्मेलन आए तो हमारे ख्याल ज्यादा काम तो भैया सब नेता लोग अपना से प्राप्त। हम लालचंद भाई से विरोध में बात कर रहे हैं, वो कहें कि कांग्रेस में ये कौनों पार्टी के कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, तो सीधी जिला में कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी सब नेता लोग। हम नेता चार पहिया की गाड़ी से उतरवे न कर रही, फर्राटे से चले जाए तो भाई नेता कहे गए, ऐसे कृपया करके नेता लोग थोड़ा गाड़ी सुधर के हड़ड़ों के वो बस्तियों में चले जाए जहां लाइट नहीं लगी, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे जौन पद लय हो, आज के समय की आवाज कि हमें जमीन में उतर के काम करें। बहुत सारे लोग दुहाई देते रहे दाऊ साहब के मुख्यमंत्री काल में यह योजना, लेकिन वो सियार नहीं दिखाता है कि दाऊ साहब के साथ 1957 से जब शुरू की हो राजनीति, उन्नीस सौ 1970-80 के बीच में जब वो नेता प्रतिपक्ष रहे और हम उनका गाड़ी चलाए के लेके चुरहट से सीधी आवत रहे तो चार जने राहत रहे सर के ठाव से, लेकिन वो चार जने मिलकर 80 में 6 के 6 सीट कांग्रेस पार्टी में डाली। आज जब सर्किट हाउस में हम पहुंच जाए या कौन नेता पहुंच जाए तो गार्डन की जगह नहीं मिलती आज सर्किट हाउस में, लेकिन जब बात आवती कि सीट मिली कि नहीं मिली, वो सीट कहां चली जाती है हम ही समझ ऐसे आय का हित लागे कि आज समय क्या पुकार ही